उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने कुमाऊं दौरे के दूसरे दिन आज अल्मोड़ा जिले को 6 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। अल्मोड़ा के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने पर्यटन और सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी 13 जनपदों में थीम बेस्ड नए पर्यटक स्थल विकसित किए जाने की योजना पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। रामनगर में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का जो है लोकार्पण हुआ है, 5,70,47,000 के अंदर ये निर्मित हुआ है। रामनगर में कोसी बैराज के अपर एवं डाउन स्ट्रीम में मनोरंजन पार्क के निर्माण एवं सौंदर्यकरण का काम जो किया गया है 41,48,000 मात्र में ये किया गया है, जिसका हमने लोकार्पण किया है। और हमारी योजना है कि आगे भी हम यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। किसानों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उन्होंने स्टे लगा दिया है, 3 कानूनों पर स्टे लगा दिया है। अगर कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में लंबित होती है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, समझ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं भी किसान हूँ और मैं भी चाहता हूं कि जल्दी ही किसानों की समस्या का। अल्मोड़ा में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम से पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को फोन उठाने के साथ साथ प्राथमिकता से उनकी समस्याओं के समाधान का आदेश दिया। और मैंने आपकी जो प्रेजेंटेशन आई यहाँ पर टूरिज्म की, मैं देख लूंगा जस्ट अ मिनट, टूरिज्म की जो प्रेजेंटेशन थी इसमें लोकल कुजीन की बात नहीं आई, तो जो कुमाऊनी खाना है और जो भोजन है वो यहाँ पर उसका आना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे मंडवे की रोटी होती है और कडली की भुजी होती है, मिडिल क्लास की जो सब्जी होती है, ऐसे ही उसको प्रमोट करें जैसे कि आपका मक्के का साग और सरसों की जो सब्जी होती है, तो इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और ये इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है। आप जो है कुछ एप्स के जरिए ऐसा कार्यक्रम आप लाइए इंटरनेट के ऊपर और भी जो इसके आधार हैं, जिसमें कि लोग, कोई आदमी कहीं कुर्की बजा रहा है, कोई आदमी कहीं सारंगी बजा रहा है, कोई आदमी कहीं ढोल बजा रहा है, उसको इंटीग्रेट करते हुए कोई एक गाना या कोई चीज ऐसी आए, तो उस प्रकार के कार्यक्रम भी रखे जाए। आप समझ गए, समझ एक माकी बाणी करके एक ग्रुप है, तो वो क्या करता है कि कोई ऑस्ट्रिया में बैठा है, कोई वहां पर लंदन में बैठा है, वो सारी चीजों को जोड़ते हुए म्यूजिक एंसेंबल बनाते हैं, तो वही यहाँ बनाने की जरूरत है। इसमें प्रॉब्लम केवल एक आई है कि जो डांसर्स हैं उन्होंने कहा साहब हमारे लिए आपने क्या किया है, आप संगीत वालों के लिए तो आप कर रहे हैं, गाने वालों के लिए आप कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया है। तो उसके अंदर फिर यह है कि कोई ऐसा गाना हो जिसको लोग दूर दूर खड़े सोशल डिस्टेंस के साथ नाचे, कोई पहाड़ पे कोई इधर पे, तो उसको भी आप फिल्मा सकते हैं और वेरियस ग्रुप्स वेरियस करके फिर उनको कुछ ना कुछ आप मानदेय दे सकते हैं कुछ ना कुछ। सतपाल महाराज ने बताया कि बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना के निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ करने के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए करोड़ों रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई है। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही राज्य के ढोल दमाऊ वादकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए संस्कृति विभाग सभी जिलों के ढोल दमाऊ वादों का एक बड़ा आयोजन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज करवाने की योजना पर विचार कर रहा है। MI News।